Hello students, welcome back to my channel Sukriti Edutech. Today in this video we will learn how to find missing number the given questions. So let us start the video. मिसिंग नंबर्स को पता करने के लिए हमें सबसे पहले उनमें एक कॉमन पैटर्न ढूंढना होता है और उस कॉमन पैटर्न के बेस पर ही हम मिसिंग नंबर को ढूंढ पाते हैं. इस वीडियो में हम बेसिक क्वेश्चन से लेकर के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इज 4, 9, 16, 25 एंड 49. जब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कॉमन पैटर्न ये मिलता है कि जब हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 4. 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 9. तो दिस इज अ कॉमन पैटर्न दैट हैज बीन फॉलोड इन दिस क्वेश्चन. तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 एंड 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25. तो नेक्स्ट हमें 6 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा मिसिंग नंबर मिलता है दैट इज 36. सो 36 इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे कि इसमें 8, 27, 64 तो कौन सा कॉमन पैटर्न फॉलो होगा. तो इसमें जब हम 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं दैट मीन्स 2 का क्यूब बनाते हैं तो हमें मिलता है 8. इसी तरह 3 के क्यूब को बनाने से मीन्स 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से हमें मिलता है 27 एंड 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलता है 64 एंड द नेक्स्ट वन इज 5 को हम जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 125. तो 125 is the right answer for this question. So now the next question is 8, 4, 9, 7. अभी हम इस क्वेश्चन में जब देखेंगे तो हमें पता लगता है कि 8 इज अ ग्रेटर नंबर, 4 इज अ स्मॉलर नंबर. तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, अगेन इंक्रीजिंग ऑर्डर है, फिर से डिक्रीज हुआ है नंबर, फिर इंक्रीज हुआ है. तो एक इस पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है. तो इसमें किस तरह से हम देख सकते हैं, तो हमें देखने पे पता लगेगा कि ये जो नंबर है इसमें ऑल्टरनेट एडिशन हुआ है. तो जैसे कि 8 से 9 के लिए हमें 1 प्लस करना पड़ा और 9 में जब हम 2 प्लस करते हैं तो 11, 11 में जब हम 3 प्लस करते हैं तो 14 एंड 14 में जब हम 4 प्लस करते हैं तो 18. इन द सेम वे जब 18 में 5 प्लस करते हैं तो 23. जब ये ऑल्टरनेट नंबर्स को हम करते हैं 4 में प्लस 3 दैट इज 7 एंड 7 प्लस 3 दैट इज 10 एंड 10 प्लस 3 इज 13 एंड 13 में जब हम 3 प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 16. सो 16 इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन में हम देखते हैं कि द पैटर्न इज 2, 5, 12, 27 एंड द मिसिंग नंबर. अभी हम देखेंगे कि 2 को 5 अगर बनाया गया है तो क्या इसमें 3 प्लस किया गया है. अगर 3 प्लस किया गया है तो सेम पैटर्न सभी में फॉलो होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हुआ है क्योंकि इसमें फिर डिफरेंस ज़्यादा आ जा रहा है. इसमें 5 में 7 प्लस करते हैं तो 12 मिलता है. तो दिस पैटर्न कांट बी द पैटर्न ऑफ दिस क्वेश्चन. लेट अस सी कि 2 को 5 किस वे में बना सकते हैं, कि 2 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 4 आता है और 4 में जब हम 1 प्लस करते हैं तो हमें 5 मिलता है. लेट अस सी दिस पैटर्न इज फॉलोइंग दिस इन दिस क्वेश्चन और नॉट. तो 5 में जब हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 मिलता है. अब 10 में अगर 1 प्लस करते हैं तो हमें 11 मिलता है, बट इसका मतलब 10 में 2 प्लस मीन्स जो नंबर्स हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लस हुए हैं. तो इसी पैटर्न को फॉलो करके हम अपना मिसिंग नंबर पता कर सकते हैं. कैसे कि 12 में हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 24 मिलता है और 24 में जब हम 3 प्लस करते हैं तो 27 मिलेगा. इसी तरह जब हम 27 में 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 54 मिलता है और 54 में जब हम 4 अभी 3 को प्लस किया था तो 4 को प्लस करेंगे तो हमें 58 मिलेगा. तो 58 इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन और ये इसमें पैटर्न फॉलो किया गया है. लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ द क्वेश्चन इज 3, 9, 18, 54, 24. अगेन द क्वेश्चन आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, एक रेगुलर इंक्रीज हुआ है. लेट अस सी कि 3 से 9 को फॉर्म करने के लिए हम मल्टीप्लाई 3 कर सकते हैं, मीन्स 3 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 9 मिलता है, लेकिन 9 में जब 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 27 मिलता है, 18 नहीं। तो दैट मीन्स यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हुआ है। क्या ये पैटर्न पूरे क्वेश्चंस में फॉलो हुआ है? लेट अस सी। अब 18 में 3 को यानी ऑल्टरनेट मल्टीप्लिकेशंस हुआ है इसमें, 3 में 3 का मल्टीप्लिकेशंस, 9 में 2, 18 में 3, दैट मीन्स यहाँ पर 54 में अगर हम 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 108 मिलता है। इसी तरह से 108 में जब हम 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 324 मिलता है। तो यानी ऑल्टरनेट मल्टीप्लिकेशंस का इसमें रूल फॉलो हुआ है। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज़ 9, 9 मल्टीप्लाई बाई 2 18, 18 मल्टीप्लाई बाई 2 3 इज़ 54, 54 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 108। लेट अस सी अनदर क्वेश्चन। अभी हम देखेंगे कि इसमें इस क्वेश्चंस में 16, 17, 21 तो कौन सा एक कॉमन पैटर्न हम इसमें फॉर्म कर सकते हैं। 16 में जब हम 1 प्लस करते हैं तो 17 आता है, लेकिन जब 17 में 1 या 2 या इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लस करें तो भी 21 नहीं मिलता है। तो दैट मीन्स इसमें कुछ पैटर्न फॉलो हुआ है। 17 में जब हम 4 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 21 मिलता है, लेकिन वो एक रेगुलर पैटर्न नहीं फॉर्म हो रहा है, क्योंकि इसके बाद हम 9 प्लस करेंगे, तो दैट कांट बी द पैटर्न ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको करने के लिए हम एक पैटर्न फॉर्म करते हैं 11 1 स्क्वायर। 1 यानी 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 ही मिलता है, तो 16 प्लस 1 इज 17। इसी तरह 17 में जब हम 2 का स्क्वायर करते हैं, यानी 17 में 2 का स्क्वायर इज 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 4, तो इसमें जब हम प्लस 4 करते हैं तो 21 मिलता है। इसी तरह से जब हम 21 में प्लस करेंगे 3 का स्क्वायर, दैट मीन्स 3 का स्क्वायर इज व्हाट, 21 प्लस 9 इज 30। यानी ये पैटर्न एक रेगुलर पैटर्न है जो कि इसमें फॉलो हो रहा है। अभी हमने 3 का स्क्वायर किया था, तो 30 में हम प्लस करेंगे 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाई 4, दैट इज 16। 30 प्लस 16 इज 46. तो दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। अभी हमने इस वीडियो में इस तरह के पैटर्न देखे। नेक्स्ट इसके पार्ट 2 वीडियो में कुछ कॉम्प्लेक्स पैटर्न भी हम देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।